हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीठे की रेसिपी बताने और मीठे में लड्डू तो सबको पसंद होते हैं, तो आप जान ही गए होंगे कि मैं मीठे में क्या बताने वाली हूँ। तो मैं मीठे में बताने वाली हूँ लड्डू। आप बेसन के लड्डू कैसे बनाएं उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ईजी होता है, जैसे नीचे दिए हुए रेड बटन दिख रही है ना, उसको क्लिक कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि मेरे नए रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमें बेसन के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है। ये बेसन महीन है, अगर आपको थोड़े दरदरे लड्डू पसंद है तो आप थोड़ा दरदरा वाला बेसन यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे महीन वाला बेसन यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मतलब एक कटोरी भर के मैंने बेसन ले लिया है। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी मतलब जितना बेसन है उससे हाफ मैंने यहाँ पर घी ले लिया है, देसी घी ले लिया है। यहाँ पर जैसे मेरा 250 ग्राम बेसन है मतलब एक कटोरी बेसन है, तो मैंने मतलब 100 से 200 ग्राम तक चीनी ले ली है। ये मेजरमेंट कप है, इसमें देखिए 250 ग्राम लिखा है, तो इससे हाफ, क्योंकि ये खाली है तो इससे हाफ मैंने शुगर ले लिया है। और याद रखिए शुगर मैंने इसको पीस के लिया हुआ है, मतलब ये पिसी हुई चीनी है। पिसी हुई चीनी आप मार्केट में इजली मिलती है तो वो ला सकते हैं, या आप घर पे भी ग्राइंड करके चीनी पिसी हुई बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है, और यहाँ पे मैंने, आप चाहें तो मेवे उसके अंदर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ऊपर से ही डाल लूँ क्योंकि लड्डू में मुझे मेवे अंदर नहीं पसंद आते, क्योंकि ये बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो इनके मैं ऊपर ही इनको चिपकाऊँगी। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गैस में पैन चढ़ा दिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं। तो हमारा पैन गर्म हो गया, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो बेसन मैंने लिया हुआ है। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे चलाऊंगी, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, हम डायरेक्ट घी नहीं डालना है, हमें थोड़ा सा बेसन जो उसमें नमी रहती है उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो मैं 5 मिनट इसको ऐसे ही सिर्फ बिना घी डाले ऐसे ही आंच में भूनूंगी। और याद रखिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो ये बेसन जलने लगेगा, फिर इसमें जलने की स्मेल आने लगेगी और हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है। अब ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं, तो ये बेसन हमारा भुन गया है थोड़ा थोड़ा, इसमें जो नमी थी वो थोड़ा सा निकल गई है, देखिए ड्राई ड्राई लगने लगा है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी घी। घी हमें पूरा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। तो अभी हम घी पूरा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए हमारा घी बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये घी जो इसने बेसन में सोक हो गया है वो अच्छे से भून के बाहर निकलने नहीं लगता, तब तक इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और फ्रेंड याद रखना कि ये बंद नहीं करना चलाना, नहीं तो हमारा बेसन जलने लगेगा। तो हमें कंटिन्यू इसको ऐसे ही स्पैचुला को घुमाते रहना है ताकि हमारा ये जले ना, और गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखना है। तो हमें ऐसे ही इसको चलाते रहना जब तक कि ये बेसन पूरा भून के घी नहीं छोड़ देता, तो हमें ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ये देखिए हमारा धीरे धीरे ये कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ये देखिए थोड़ा सा येलो से ब्राउन आने लगा है। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से भून जाएगा तब ये एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा और पूरा घी बाहर निकलने लगेगा। ये देखिए हमारा मिश्रण कितना गीला गीला लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि अभी ये भून रहा है, तो ये
घी छोड़ रहा है, और जितना ज़्यादा ये भुनता जाएगा, इसमें लड्डुओं में सबसे ज़्यादा यही अच्छे से भुनने का ही टेस्ट होता है। जितना अच्छे से लड्डू को आप धीमी आंच में लो फ्लेम में भुनेंगे, उतना ही उसका टेस्ट निखर के आएगा। तो हमें ऐसे ही, अब ये देखिए आपको दिख रहा है ना, हल्का हल्का घी निकल रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे हल्का हल्का गैस में निकलना चालू हो गया। अभी हम इसको और भुनेंगे, तो ये देखिए ये अच्छे से भुनने लगा है। तो ये देखिए इसके अगल बगल कैसे हमारा बेसन ये घी रिलीज करने लगा है, ये देखिए कैसे गीला गीला हो गया है, पहले कैसे सूखा दिख रहा था। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे इलायची दाना या इलायची का पाउडर, ये ऑप्शनल है इलायची पाउडर, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कीजिए। और इसको अभी हम 5 मिनट तक और अच्छे से भूनेंगे, जबकि इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, तो इसको हम 5 मिनट तक और भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं, और ये बेसन से काफ़ी घी निकल रहा है, ये देखिए पूरा गीला गीला हो गया है। ये क्या है कि बेसन अच्छे से भुन गया है, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा घी बच भी गया है। हमने आधी कटोरी घी लिया था, बट हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला, तो हमारा थोड़ा घी बच भी गया, और इसमें भी देखिए घी कैसे निकल गया है। तो ये देखिए ब्राउन हो रहा है, आपको कलर चेंज दिख रहा है, क्योंकि पहले हमारा बेसन येलो था, अब देखिए ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। तो चलिए अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको गैस से हटा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से, देखिए घी भी इसमें कितना अभी भी निकल रहा है, और देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए ऐसे फैला के रख देंगे, क्योंकि अभी अगर हम चीनी मिलाएंगे इसमें, भूरा वाली चीनी जिसको बोलते हैं, पिसी हुई चीनी, तो इसमें क्या होगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी, जिससे कि हमारे लड्डू खराब भी हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट अच्छे से फैला के इसको छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा मिश्रण ये ठंडा हो गया है, इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ताकि हम जब इसमें चीनी मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये जो हमने चीनी रखी थी पीस के, वो पूरी चीनी हम इसमें ऐसे मिला के और फिर इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो घी निकल रहा था, वो चीनी को पूरी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है, चीनी इसमें कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो ये देखिए हम इसको हाथ से भी मिक्स कर लेंगे, और देखिए मैंने इसमें कलर नहीं डाला, फिर भी इसका कलर कितना अच्छा निकल के आया, ये देखिए एकदम ब्राउन। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए अभी इसके लड्डू बना लेते हैं। तो हम इतने इतने हमें जिस साइज के लड्डू चाहिए, उस साइज के हम इसमें पेड़े ले लेंगे, और फिर उनको हाथ से गोल गोल और इसमें ऐसे हम यहाँ पे पिस्ता लगा देंगे। और तो ये देखिए हमारे गोल गोल लड्डू, और देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा है। तो इसमें हम पिस्ता लगा देंगे। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के लड्डू बना लेते। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन गए, और आप चाहें तो जैसे हलवाई लोग, आपको राउंड करना है तो वैसे हाथ से कर लीजिए, या हलवाई लोग ऐसे उछाल उछाल के लड्डू बनाते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और देखिए लड्डुओं में अभी भी कितना घी निकल रहा है, देखिए पूरा शाइनिंग आ रही है इसकी। तो हमारे लड्डू ये अच्छे से घी में बेसन पूरा अच्छी तरीके से भुना है। तो ये देखिए मेरे बेसन के लड्डू बन के तैयार है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बने, और देखिए मैंने बिना फूड कलर के इनको कैसे अच्छे ढंग में बना के तैयार किया है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, और इनमें ना ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है, और ना बाहर का ज़्यादा
सामान भी यूज आता है। आप घर के इजी तरीके से मिल जाने वाले सामान से बेसन के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि बेसन के लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है, तो ये मेरी इजी सी रेसिपी देख के आप घर पे बेसन के लड्डू इजी तरीके से बनाइए। और अगर आपको मेरे बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।